फतेहगढ़ साहिब विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पूर्व विधायक दीदार सिंह भट्टी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में मत्था टेका और प्रचार शुरू किया। पूर्व विधायक दीदार सिंह भट्टी ने कहा कि बीजेपी ने हिंदू सिख एकता को मजबूत किया है, भाजपा हर वर्ग के लोगों की रक्षा कर सकती है और भाजपा ही विकास ला सकती है। पंजाब के विकास और तरक्की के लिए पंजाब में भाजपा की सरकार बने, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ने पंजाब के लोगों से किए अपने वादों को पूरा नहीं किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर हरबंस लाल ने कहा कि आज की विशाल सभा दिखा रही है कि दीदार सिंह भट्टी भारी जीत से जीतेंगे। उन्होंने कहा दीदार भट्टी लंबे समय से लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग भट्टी में शामिल हुए हैं। सतगुरु पातशाह जी के दरबार महान शहीदों की इस पवित्र सरनी से असी नतमस्तक हो के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वजों समुचे हल्के सूझवान और बड़े अंथक तो बड़े जुझारू भाईचारे को लैके असी देश के दे उतानी खातर पंजाब की खुशहाली बेहतरी तरक्की वास्ते भारत अज भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार वजो काम शुरू कर जा रहे हैं। बड़ी महाराज की कृपा है और सच तो झूठ की जी लड़ाई आ हरेक बंदा ही पंजाब तैशी कहता पर जोड़ा सारी दुनिया जानती आ कि भारतीय जनता पार्टी के हथा के पंजाब का भविख जरा उज्जवल और दूर विदेशी लीडरशिप उन्होंने पहला भी पंजाब की बेहतरी वास्ते बहुत कम किया और लीडरशिप है सूँ बड़ा अभिमान है और असी अपनी इस कंपेन के जित हासिल करा। दीदार सिंह भट्टी जो अभी भारतीय जनता पार्टी के चोन निशान कमल के फुल से चोन लड़न का इन्होंने करज आशीर्वाद लिया फतेहगढ़ साहब शीशा की धरती से बहुत वधिया माहौल है लोगों से लोग जोड़ा है एक वधिया बदल भारतीय जनता पार्टी को अगे लिया वास्ते बड़े उतावले हैं और अज इतने होर भी शख्सियत वधिया साढ़े इलाके राजनीतिक शख्सियत है उन्होंने भी नाल होकर आशीर्वाद लिया। दीदार सिंह भट्टी उन्होंने भी आशीर्वाद लिया, परमात्मा इन्हों कामयाबी बख्शेगा। इलाके के लोगों तो कामना करते हाँ कि बढ़ चढ़ के आप इन्हों का साथ दईए।